ये है वक्त मीडिया। उत्तराखंड के शहर रुड़की के आईआईटी में थीम मेकर प्रोडक्शन ने 14 अगस्त 2017 को ऑर्गेनाइज किया इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कवि सम्मेलन मुशायरा। इस इवेंट के फाउंडर रहे राजीव भटनागर, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर रहे नौजवान शायर और अब्बास कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी अल्तमश अब्बास। अल्तमश अब्बास आजकल अपनी शायरी से मुशायरे की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे रुड़की के लोकप्रिय एमएलए श्री प्रदीप बत्रा जी और इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर रहे साहित्य प्रेमी उज्जैन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर श्री चिंतामणि मालवे जी। स्पेशल गेस्ट रहे श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, प्रबंधक आर्य कन्या इंटर कॉलेज रुड़की। स्पेशल गेस्ट रहे सैयद अली हैदर जैदी साहब, डायरेक्टर कुबरा कंस्ट्रक्शन और एक्स मिनिस्टर। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार के शासन प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बहुत अच्छे जनाब नदीम शाह का कलाम आप सुन रहे थे और जिस मोहब्बत से आप उन्हें दादू तहसीन से नवाज रहे थे हजरात। मैं दोस्तों अपनी जगह से उठकर यहाँ आया तो ज़रूर कोई ज़रूरी बात है। वो ज़रूरी बात यह है कि हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी, अब तक तो मैं देख रहा था कि शायरों को यहाँ सियासत सुन रही थी, लेकिन अब वो मकाम आ गया है कि सियासत को शायर और हम सब सुनेंगे। तो मैं बड़े ही अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ कि माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी से यहाँ तशरीफ लाएँ और अपने विचार हम लोगों से। प्रदीप जी को बुलाएं जी। प्रदीप, अच्छा चिंता हुई, बहुत बहुत शुक्रिया अल्तमस भाई, जश्न आज़ादी। मैडम आप 2 मिनट बैठिए जरा, हमारी भी तो सुन लीजिए, आपने सुना ली अपनी। मैडम मिसेस शर्मा यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ 2 मिनट सुन के जाइएगा आप। हाँ इधर आ जाओ। जश्न आज़ादी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आयोजित इस शेर व शायरी के माहौल में सभी ने खूब सुकून लिया, खूब आनंद लिया और सभी आज हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पर मालवीय साहब उज्जैन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ मौजूद बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छी शायरा यहाँ मौजूद हैं, सभी ने सुकून दिया और समय का पता नहीं लगा 2 घंटे कब गुजरे, जबकि आज काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम था, जन्माष्टमी के त्यौहार भी हैं और पर बहुत आनंद लिया, सबने मजा लिया। और शायरी तो एक मैं समझता हूँ कि एक जब आदमी को आनंद आता है, जब सुकून आता है तो वो आदमी को आगे बढ़ाती है और एक ज़िंदगी की जो टेंशन है वो सब खत्म होती है। तो ये भी एक देश को समर्पित कर रहे हैं कि आदमी इसको करता है और मैं समझता हूँ कि कोई भी काम हो आज की तारीख में आदमी करे तो उसको देश की समर्पित करके करे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो नगर निगम का ये कर्मचारी हो, जो भी कार्य है वो करे। देशभक्ति का टाइम है और ये सर्वाधिक युग चल रहा है देशभक्ति का आज की तारीख में। मैं समझता हूँ कि इतनी देशभक्ति हिंदुस्तान में कभी नहीं आई जितनी पिछले 3 सालों से बड़ी, और हर कोई चाहता है कि देश की सेवा करें। जरूरी नहीं कि आप बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़ें और आप कहते हैं पाकिस्तान से युद्ध करें या चाइना से युद्ध करें, आप देश में रहकर अपने प्रोफेशन में रहकर अपने घर में अपने मोहल्ले में रहकर आप देश की सेवा कर सकते हैं। क्या देश की सेवा करिए। मैडम अभी कह रही थी मैडम कि मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि नेता कुछ कम हो, तो मैं समझता हूँ कि मैडम की प्रार्थना भगवान ने सुन ली है, नेता बहुत कम हो गए आज की तारीख में। कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही रहा है हमारा, तो नेता कम ही हो गए। उनकी खिलाफत से मेरी शख्सियत निकलती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो जितनी भी लोग बुराई करते हैं हमें और ताकत मिलती है काम करने की, उतना ही हम आगे बढ़ते हैं और उतना ही हम लोग सेवा करते हैं। और मैडम को बताना चाहूँगा कि नेता तो 5 साल में पहुँच जाते हैं लोगों के यहाँ सेवा करने के लिए, जो दूर दराज गाँव में एक व्यक्ति बैठा है जिसको ज़रूरत है हमारी, जो हमारे पास आते हैं, हम रोज़ सेवा करते हैं उसकी, रोज़ लगते हैं शहर के लिए कि शहर के गड्ढे मुक्त हो, शहर में काम हो, शहर हमारा सुंदर लगे, ग्रीन क्लीन और स्मार्ट सिटी बने, इसके लिए हम लोग रोज़ लड़ाई लड़ते हैं। पर अधिकारी लोग जो IAS होते हैं और जो अफसर लोग होते हैं वो तो 5 साल के, वो तो 10 साल के, 20 साल तक जब तक नौकरी रहती है नज़र ही नहीं आते, चाहे DM हो चाहे SDM हो, कि नेता ही हैं जो गरीब आदमी का साथ देते हैं, नेताओं अधिकारी तक अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा 3रा इलेक्शन है, मैं पहले नगर पालिका चेयरमैन रहा, मैंने गली गली मोहल्ले की सफाई कराई, उसके बाद मैंने विधायक का चुनाव लड़ा, 3री बार भी लोगों ने इसलिए चुना, और लोग इसलिए चुनते हैं कि जो आदमी सेवा करता है, जो आदमी गरीब व्यक्ति सुनता है, जो एक छोर में गरीब व्यक्ति बैठा है गाँव में उसकी अगर आप सेवा करेंगे, यही सच्ची सेवा है। और
जब आप राजनीति में आते हो तो आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, केवल सेवा, और जो सेवा करता है मैं समझता हूँ उसका जीवन ही सफल है, उसका जीवन सार्थक है। आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपको सेवा करनी चाहिए, और ये हमारा उद्देश्य भी कि हम लोग देश का समर्पित रहे, देश के लिए आगे बढ़ें। और आज जो आंदोलन चल रहा है, जो एक आंदोलन चला था 1942 में 1947 तक चला था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज भी हमें वही आंदोलन करना है। हमें तब देश के लिए शहीद होने का मौका नहीं मिला, पर आज भी हम लोग कर सकते हैं। आज भी हम कह सकते हैं कि गंदगी भारत छोड़ो, बुराई भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, संप्रदायवाद भारत छोड़ो, जातिवाद भारत छोड़ो, ये सब हम लोगों को करना है। तभी हम आने वाले समय में संपन्न से सिद्धि की ओर जाएंगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब दोबारा देश जो है विश्वगुरु कहलाएगा, जब दोबारा हिंदुस्तान जो है दुनिया विराज करेगा, वो दिन दूर नहीं। पर वो तभी संभव है जब हम सबकी भागीदारी इसमें होगी, हम सबकी हिस्सेदारी इसमें होगी, हम सब अपना कर्तव्य समझेंगे, हम सब समझेंगे कि हम सच्चे हिंदुस्तानी और देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तभी ये कार्य पूर्ण होगा जब देश की 125 करोड़ जनता देश के लिए समर्पित होगी, एक कदम आगे बढ़ाएगी तो देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी कार्य करें देश को समर्पित करके करें, देश को आगे बढ़ाएं। अब पैसा कमाना, धन उपार्जन करना हर आदमी का काम है, अपनी परिवार सबको पाल लें, और जो भी कार्य करें देश को समर्पित करके करें, यही हमारा कर्तव्य है, तभी देश आगे बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा आपके बीच में नहीं आऊँगा क्योंकि गुलदस्ता सजा हुआ है और महफिल सजी हुई है, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। फिर किस दिन बैठेंगे तो आपको पूरी विस्तार में बताऊँगी नेता कितना काम करते हैं और कितना आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर। धन्यवाद। हाँ भाई अल्तमश, और कुछ है? आजा आजा आजा, तू भी अपनी आरजू पूरी कर ले। माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि ये गुलदस्ता सजा हुआ है और इसमें एक मुख्य फूल है हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी और हमारे मालविया जी, तो मैं इन दोनों अतिथियों से गुजारिश करूँगा कि हमारे शायरों को पूरी तरीके से दादो तहसीन से नवाजते रहें और इसी तरह से अपने स्थान ग्रहण रखें, और ये कार्यक्रम जब तक आप पूरा ना कर दें तब तक मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप यहाँ जो है इसी तरह से हमारे लिए बस आधे घंटे का, और मैं मालवीय साहब से बाद में गुजारिश करूँगा जब हमारे जो है कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, वो अपने विचार रखेंगे। अब डॉक्टर कलीम कैसर साहब से गुजारिश है कि वो अपने कुल तीन। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।